शुक्रवार को रमजान माह तीसरे अशरे के साथ अलविदा जुमा हो गया। इसमें विशेष नमाज के साथ हजारों हाथ दुआ के लिए उठे। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज जन दिन में रोजा रखते हैं और रात में तरावीही का दौर चल रहा था, जिसमें शबे कद्र हो रही हैं। वहीं समाज के लोग इबादत में जुटे हैं। इस शुक्रवार को रमजान के अलविदा जुमे के साथ ही लोगों ने बड़ी संख्या में मस्जिदों में नमाज अता कर देश प्रदेश की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं अब तीसरा और आखिरी अशरा भी अंतिम चरण में है, जिसमें लोग अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। नमाज के दौरान तकरीर में शहर काजी नूर उल्ला यूसुफ जई ने मुस्लिम समाजनों से के बीच कहा कि अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें रमजान का पाक महीना अता किया है। हमने रमजान में अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा है। रमजान के खत्म होने में चंद रोज बाकी हैं। इसमें रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों से माफी मांगने का मौका मिला है। हम सब तौबा करें, अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है। गौरतलब है कि रमजान को तीन हिस्सों में बराबर बांटा गया है। इसमें पहले असरा मतलब 10 दिन रहमत के, दूसरे 10 दिन मगफिरत के यानी कि माफ करना, और तीसरा असरा मतलब आखिरी 10 दिन जहन्नम से खलासी के हैं, जिसमें आखिरी अशरा भी अब खत्म होने जा रहा है। इसके बाद चांद दिखा तो मंगलवार को ईद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजानुल मुबारक जो कि सब्र का महीना है और इस महीने को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है और ये आखिरी अशरा चल रहा है और ये सब्र का महीना था और ये अशरा भी सब्र का है, तो रमजानुल मुबारक हमसे जुदा हो रहा है। ये बहुत तकलीफ दे बात है, लेकिन एक इसमें खुशी की बात यह भी है कि अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक की पूरी इबादतों को हमारे आमाल नामे के अंदर लिख दिया है और बचे हुए जो दिन हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द अपनी इबादत के अंदर इजाफा करेगा। ये रमजानुल मुबारक जहाँ सब्र का महीना है और इस महीने के अंदर अभी कल शबे कदर की रात गुजरी है, जिसमें पूरे मुल्क के लिए अमन और सलामती के लिए, यहाँ के अमन इत्तेहाद के लिए, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखने के लिए दुआएं की गई और इंशाल्लाह आने वाली ईद के अंदर भी मुल्क की अमन और सलामती और इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब के लिए दुआएं की जाएगी। असल में इस मुल्क की असल ताकत यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है और लोगों को दुआ करना चाहिए कि जो लोग यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को और यहाँ की अमन और सलामती को, इत्तेहाद को ख़तरा पहुँचाना चाहते हैं, मालिक उनको सज़ा दे दुनिया के अंदर भी और आखरत के अंदर भी, और यहाँ के अमन और सलामती के लिए भरपूर हमको कोशिश करना चाहिए कि किसी भी कीमत पर टूटने ना पाए। आने वाले दिनों के अंदर ईद का त्यौहार भी है और हो सकता है कि परशुराम जयंती भी हो, तो मैं दोनों त्योहारों की मुबारकबाद पेश करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि यहां की गंगा जमनी तहजीब जो गुनाह की है ख़ास तौर पर, उसको बरकरार रखने में हर संभव प्रयास करें और हर संभव मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक मरम्मत फरमाए। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि ये माह रमज़ान का आज आखिरी जुमा है, जिसे हम और आप जुमातुल वदा के नाम से याद करते हैं, अलवदाई जुमा के नाम से याद करते हैं। शायर ने क्या ही खूब कहा है, अफसोस तू रुखसत हुआ माह मुबारक अलवदा, अफसोस तू रुखसत हुआ माह मुबारक अलवदा, रो रो के दिल ने यूँ कहा माह मुबारक अलवदा। तमाम अहले ईमान इस आखिरी जुमे पर बड़े अफसरदा होते हैं, मायूस होते हैं, इसलिए कि ये माह रमज़ान जो बरकत वाला, रहमत वाला, मगफरत वाला है, ये हमसे अब रुखसत हो रहा है। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम तमामी अहले ईमान को हर साल ये माह रमज़ान अता फरमाए, और ये भी मैं तमाम अहले ईमान से गुजारिश करता हूँ कि इस आखिरी जुमे में जहाँ अपने गुनाहों की मगफ़िरत के लिए दुआ करें, वहीं अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क के भाईचारे के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।